दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। आज हम बात करेंगे कि हमें वोटिंग क्या सोचकर करनी चाहिए, हमें वोट किस मुद्दे पर करना चाहिए और लोग किस मुद्दे पर वोट करते हैं। बड़ी हैरानगी की बात है, मैंने कई बार कुछ लोगों को बोलते हुए सुना है कि जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, कोई नई नई किसी की पिछले 5-7 सालों से जो जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो बड़ी हैरानगी की बात है कि इतने एजुकेटेड लोग एक अच्छे कैंडिडेट को वोट इसलिए नहीं डाल पाते क्योंकि बीच में उनका स्वार्थ आ जाता है। क्या स्वार्थ आ जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई कैंडिडेट कहीं पे किसी गवर्नमेंट सेक्टर में किसी ऑफिस में पिछले 5-6 सालों से जॉब कर रहा है और वो कहीं और अपनी पोस्टिंग करवाना चाहता है, और वो क्या होता है कि विधायक के पास जाते हैं या कोई सिफारिश डालते हैं और विधायक की तरफ से अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो ये बड़े ही मतलब हैरानगी की बात है कि आप उस कैंडिडेट को वोट नहीं करते हो। क्या उसके इस प्रकार से मना कर देने से क्या उस इंसान की वैल्यू खत्म हो गई? स्वार्थ में रहकर आप वोट ना करें कि हाँ यार उस फलाने कैंडिडेट ने, फलाने विधायक ने, फलाने एमएलए ने मेरी पोस्टिंग नहीं की, मैं इस बार पार्टी चेंज कर दूंगा, मैं उसको वोट नहीं करूंगा। ये बहुत गलत मंशा है। ये स्वार्थ के लिए वोट करना बहुत बुरी बात है। अगर आप स्वार्थ के लिए वोट करते हैं तो ये हिंदुस्तान तो क्या, हिंदुस्तान में चाहे जितना मर्जी कोई ईमानदार कैंडिडेट आ जाए, हिंदुस्तान को गलत होने से कोई भी नहीं उसमें हेल्प नहीं कर सकता, ऐसे ही चलता रहेगा। और अगर आपको लगता है यार अच्छा कैंडिडेट है, ठीक है, पार्टी अच्छा काम करे, तो उसको वोट करें। हमें अपने स्वार्थ हितों को ध्यान में रखते हुए वोट नहीं करना है। यही हमारी इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि हमारी आप सबसे, सभी नौजवानों से, सभी बड़े भाइयों बहनों से एक विनती है कि आप स्वार्थ में रह के वोट ना करें। आपका कोई निजी स्वार्थी कोई काम रह गया हो या नहीं हो पाया हो, उसको ध्यान में रखकर वोट कभी भी मत करें। अगर आपको लगता है कि हमारी भी कंस्टिट्यूएंसी में अच्छा काम हुआ है तो हमें उस कैंडिडेट को वोट करना चाहिए, लेकिन हमारे वोट करते समय हमारे मन में ये चीज़ कभी भी नहीं आनी चाहिए कि हमें जो वोट है वो अपने कि ठीक है यार फलाने कैंडिडेट ने मेरा फलाना काम नहीं किया तो उसको हम वोट नहीं करेंगे। ये बहुत बुरी बात है। और जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है तो हमारे वर्मी कंस्टिट्यूएंसी में अच्छे काम हुए हैं पिछले 5 वर्षों में। खंडालवी में एक डिग्री कॉलेज, उसका भी उसमें क्लासेस बैठना शुरू हो चुकी हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है। इधर हटवाड़, देहरा, भराड़ी, लदरौर, बगेटू, बम, सौंखर, भटवाड़ा, इधर के जितने भी लोग हैं वो सब बच्चे जो हैं वो इस डिग्री कॉलेज में पढ़ सकेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। डिग्री कॉलेज का इतने हमारे खंडालवी जैसे इस क्षेत्र में कॉलेज का खुलना बहुत बड़ी बात है। ये जिला बिलासपुर में एम्स जो है वो खुल चुका है, उसका भी काम शुरू हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। और बिलासपुर में ही दूसरा जो है वो बंदला में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी चल चुका है, उसका भी काम शुरू हो चुका है। तो ये बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म हैं, हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वोट करना चाहिए, लेकिन निजी स्वार्थ में वोट कभी भी मत करें। धदोल से लेके लदरौर तक रोड कनेक्टिविटी के ऊपर बहुत अच्छा काम चला हुआ है, वो भी तकरीबन पूरा हो गया। रोड कनेक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे से संभाला है, उसके लिए वो सराहनीय के पात्र हैं।
उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने हमारे हिमाचल प्रदेश में रोड कनेक्टिविटी को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। कीर्तपुर से नेर चौक मनाली तक का जो 4 लेन का काम था, जो लटका हुआ था पिछले कई सालों से, उसके ऊपर भी काम चल चुका है, तो बहुत अच्छी बात है। रेलवे लाइन भी कीर्तपुर से चल रही है, तो थोड़ा उसके ऊपर हमें अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए।